यूपी के सीतापुर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान के विरोध में हंगामा कर सामूहिक रूप से सर मुंडवाया और चौराहे पर सड़क जाम कर हंगामा किया। शहर के लालबाग चौराहे पर मुख्य चौराहे पर भारी संख्या में हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने भारत में इस्तेमाल हो रहे चीनी सामान का विरोध किया। सभी का कहना है कि चीन लगातार भारत का विरोध कर रहा है, इसलिए भारत में इस्तेमाल होने वाले चीनी सामान का वो विरोध कर रहे हैं। साथ ही जनता से अपील कर रहे हैं कि कोई भी चीनी सामान ना खरीदे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद। यह अंतिम चेतावनी है, इस दीपावली पर एक भी चीनी माल हिंदुस्तान के अंदर बिकने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। देखिए, चीन जिस तरीके से दादागिरी कर रहा है, हमें धमका रहा है, हमारे एक बॉर्डर को बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उस लिए हम लोगों से संकल्प करा रहे हैं कि कोई भी चीन का सामान नहीं खरीदेगा और चीनी निर्यात जो भारत सरकार कर रही है उस पर तत्काल प्रभाव पर रोक लगाई जाए। ये हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं। और दूसरी बात है, हमने शी जिनपिंग की यात्रा निकाली, चाइना सामानों की होली जलाई। हम सब हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता बालों का विसर्जन, अपने बालों का विसर्जन उन लोगों की याद में कर रहे हैं जिन्हें अपने राष्ट्र से कतई प्रेम नहीं है, जो आज भी चीनी माल को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। जो इस राष्ट्र का नहीं है उसको मैं मरा मान रहा हूँ। हम हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता जो राष्ट्र के साथ में रहने वाले व्यक्ति के साथ में है, दर्जनों कार्यकर्ता लगभग सर मुड़वाने जा रहे हैं। मेरे द्वारा, मैं नगर प्रभारी के द्वारा मेरे द्वारा शुरुआत की गई है। क्या प्रोग्राम था आज आपने? क्या चीन की शव यात्रा निकाली गई और उसके पश्चात समस्त मार्गों से होते हुए सबको जागृत किया, सभी को जागृत किया गया।